So once again, very good evening to all. Today we are going to start with today we are going to see how to design a calculator, actual calculator. Yes, so the basic thing about that we have already seen last to last session, but I'll just go with a revision of module 3 which we have started long back, so that it get refresh once and then we can easily move with today's assignment. So import tkinter, we used to import tkinter from tkinter port star. Window is equal to tkinter dot tt dot tk. I will save it. This is my session. Basic. Let me run this. Okay. Tkinter has no attribute tk. Okay, it's caps thing. Now so this window has appeared. So this is because of this window is equal to tkinter dot tk. Now window dot geometry, say I'll put it like 2000 x 1400. Now what will appear? So it's like this. If I'll say like so थोड़ा सा हम इसको width wise छोटा कर लेंगे. This is width, this is height. It seems to be okay. जरूरत पड़ी थोड़ा इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट फिलहाल तो मैं जो बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया कि ज्योमेट्री क्रिएट करनी है तो ठीक है. नाउ अभी जो फंक्शंस बताने वाला हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, उसका इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो. चेक इज इक्वल टू सी एच पी सी के चेक बी यू टी टी ओ एन बटन विंडो टेक्स्ट इज इक्वल टू को लेवल दे देंगे पहले लैब इज इक्वल टू लेवल विंडो टेक्स्ट माय फर्स्ट कैलकुलेटर. लैब डॉट पैक सी क्या आ रहा है. Lab is not defined. Let me my first calculator आ गया. ठीक है. So ये steps आपको अगर वहां पे heading देनी होती है तो इस वजह से आता है. अभी अगर कभी कुछ हमें अगर check button create करना हो, check button window dot text is equal to Java programming check one dot
check one dot base 400, y is equal to 600. Let's see क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको ऊपर लेना हो तो y means ये, यह जगह पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग चेक बटन, ये सारे फंक्शंस जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो इस वजह से आप चेक बटन क्रिएट कर सकते हो। अगर रेडियो बटन क्रिएट करना हो तो रेडियो वन इज इक्वल टू आर एडीआई और रेडियो बटन विंडो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रेडियो, मतलब मॉड्यूल वन वैल्यू की जरूरत नहीं है, वो डालना है तो डाल दो, दिखेगा तो नहीं वैसे वो, रेडियो वन डॉट बेस एक्स इज इक्वल टू, आवाज आ रही है क्या मेरी, स्क्रीन दिख रहा है, थ्री हंड्रेड, तो इस वजह से मॉड्यूल आ गया, दूसरा मॉड्यूल रखेंगे तो ये इस वजह से है, ठीक है। और अलग वैल्यू लिखने से आप एक एक को चूज करेगा, वो सेम वैल्यू लिखने से दोनों को चूज करता है वो, ऐसा तो रेडियो बटन हो गया। तो ये जो मोस्टली ये थोड़े बहुत फंक्शंस है, इसके अलावा लेबल भी डाल दिया मैंने, चेक बटन भी डाल दिया, रेडियो बटन डाल दिया है, एक बार चेक कर लेंगे। इधर चेक बटन था वो हो गया पूरा, इधर चेक बटन है, ठीक है, ये हो गया है, इधर लेबल है एंट्री बॉक्स। एंट्री बॉक्स क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू एंट्री विंडो एंट्री, प्लेस आई इज इक्वल टू 500, ये एंट्री बॉक्स है, इसमें आप लिख सकते हो। ये दिस इज एंट्री बॉक्स, यू कैन एंटर एनीथिंग इन दैट, ठीक है। सो दिस इज
सो आई गेस ये अभी आपको क्लियर है, जस्ट रिवाइज कराया मैंने. लेट्स मूव टू द कैलकुलेटर. ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है. तो ये कैलकुलेटर है, ठीक है. अभी इसमें कैसे वर्क कर रहे हैं देखो. ये तो 8 + 9 क्या आंसर आना चाहिए, ये हमें अभी करना है प्रोग्राम. 8 + 9 क्या आंसर आना चाहिए, 17, ठीक है. अभी क्लियर पे किया तो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ आपको. मैं तो ये जो है आपको ये सब, ये जो 7, 8, 9 ये जो लिखे हुए हैं सब बटन्स है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 बटन्स, एक एंट्री बॉक्स ये क्रिएट करना पड़ेगा. 17 बटन्स, एक एंट्री बॉक्स और एक विंडो का ये क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है. मैंने आपको इनिशियली बेसिक कमांड्स क्यों बताए, क्योंकि अगर मैंने कुछ कॉपी पेस्ट भी किया, ऐसी चीज कॉपी पेस्ट करूंगा जो कि आपको ऊपर से नहीं जाएगा, ठीक है. तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज, अगर मैंने डायरेक्टली अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया होता और मैंने वहां पे विंडो का कॉपी पेस्ट किया होता, विंडो डिजाइन करने का, तो आप बोलते रहे सर ये क्या हो गया, या आप नहीं बोलते थे लेकिन फिर भी एक होता है कि सर कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं. इसीलिए तो जो जो चीजें कॉपी पेस्ट वाली होगी, अभी टाइटल का होगा तो भी कॉपी पेस्ट करूंगा, जहाँ पे ये सब होंगी चीजें, जहाँ पे फंक्शन ऐड करनी होगी वहाँ पे हम लोग, मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि क्या क्या है, कैसा है करके, ठीक है. देखो अभी पहली चीज तो ये है कि अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर इन्होंने ऐड किए हुए इंपोर्ट टिक इंटर, ठीक है. इंपोर्ट टिक इंटर डॉट फॉन्ट एज फॉन्ट, ठीक है. इंपोर्ट टिक इंटर फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, ये क्या है फंक्शन. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो हम इसके अंदर जो हम लोग ये लिख रहे हैं इंपोर्ट टिक इंटर एंड फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, तो इससे तो हमारा जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी चीजें हैं, लाइक हम लोग एंट्री बॉक्स यूज करते हैं या बटन यूज कर रहे हैं, तो वो इन दोनों से सफिशियंट आ जाएगा. टिक इंटर मीन्स जीयूआई बॉक्स जो क्रिएट करते हैं, वो टिक इंटर नॉर्मल जो फंक्शन है सारे के सारे उसमें कवर नहीं होते, बट ऐसे ही हम लोग ये करते हैं तो उसमें अंदर सारे आ जाते हैं, एक्सेप्ट कॉम्बो बॉक्स. अगर कॉम्बो बॉक्स यूज कर रहे हैं हम लोग तो उसके लिए अलग से हमें लिखना पड़ता है फिर इंपोर्ट टिक इंटर एज कॉम्बो बॉक्स, ठीक है. बाकी सारे एंट्री बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन सब इन दोनों लाइन से आ जाते हैं, इंपोर्ट टिक इंटर एंड फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार. स्टार मतलब जनरल जितने भी है कोड सब आ जाएंगे उसके अंदर, जितने भी विजेट से सब आ जाते हैं एक्सेप्ट कॉम्बो बॉक्स. अभी क्या है, इंपोर्ट टिक इंटर डॉट फॉन्ट एज फॉन्ट, इंपोर्ट टिक इंटर डॉट फॉन्ट एज फॉन्ट. इसमें क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे जाके स्पेसिफिक फॉन्ट यूज किए हुए, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया फॉन्ट इज एरियल नैरो, बाद में हेल्विटिका, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे. तो ये सब चीजें जो है ना, यहाँ पे मैंने एक अलग से डिफाइन कर दिया वेरिएबल एफ ऑन, और बाद में उसको मैंने हर बटन में यूज किया हुआ है, फॉन्ट इज इक्वल टू एफ ऑन या फॉन्ट इज जो भी है. तो ये सब के लिए हमें स्पेसिफिक फॉन्ट यूज करने के लिए हम लोगों को वहां पे इंपोर्ट टिक इंटर डॉट फॉन्ट एज फॉन्ट ये लाइन लिखनी पड़ी, ठीक है. क्योंकि जो जनरल अगर हम लोग ये नहीं लिखते थे तो बेसिक जो होता है लाइक टाइम्स न्यू रोमन या जी सब, ये सब हम लोग लिख सकते हैं विदाउट इसको इंक्लूड किए हुए, बट अगर उसके अलावा भी अगर कुछ लिखना है तो हमें ये इंक्लूड करना पड़ता है. इससे जितने भी फॉन्ट्स पाइथन में हो सारे के सारे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. अभी पहला काम जो था कैलकुलेटर में, मैंने साइड में इसको इसलिए ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं साइड दिखाते रहूंगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है. अभी आप विंडो इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट टीके कर लो या रूट इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट टीके कर लो, वन एंड द सेम, मैंने दोनों से करके दिखाया था आपको, ठीक है. रूट मीन्स व्हाट, बेस, बेस मीन्स व्हाट, इट्स अ विंडो, स्टार्टिंग फ्रॉम विंडो ओनली, विंडो ही क्रिएट करेंगे ना तभी हम लोग कर सकते हैं ना. तो अगर मैंने इस लाइन को कॉपी किया या मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको, रूट इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट टीके, ठीक है.
root dot title. My first calculator, ठीक है, बाद में एक डायमेंशन दे दिया हम लोगों ने उसको, अभी क्या हो रहा है देखो, इससे एक विंडो ओपन होगा, इससे उस विंडो को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थॉनी एंड ऑल ये सब जो लिखा हुआ है वैसा वहाँ पे नाम दिया मैंने, मैं फर्स्ट कैलकुलेटर उसको नाम दिया, मैं पहले रन करता हूँ एंड देन वी विल सी। तो यहाँ पे देखो जो ये विंडो क्रिएट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ लाइन नंबर फिफ्थ, उसके ऊपर जो टाइटल आ रहा है मैं फर्स्ट कैलकुलेटर इट इज बिकॉज ऑफ लाइन नंबर सिक्स दैट इज रूट डॉट टाइटल, बाद में रूट डॉट ज्योमेट्री जो है वो बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्री, तो दिस इज 540 एंड दिस इज 600 means this is width, this is length, 540 is width, length is 600. ठीक है, अभी क्या करना है, यहां पे जो कैलकुलेटर था उसका देखो, यहां पे एक एंट्री बॉक्स है, ठीक है, तो एंट्री बॉक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू एंट्री, रूट लिया है तो यहाँ पे रूट डालना पड़ेगा, विंडो लिया होता तो विंडो डालना पड़ता, ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू एंट्री, रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू एंट्री, अभी इसको मैं डायमेंशन देना है मुझे, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, रिजल्ट डॉट प्लेस, ठीक है, पर यहाँ पे क्या क्या ग्रिड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ग्रिड, उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो हमारा कैलकुलेटर है ये इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रिड काइंड ऑफ स्टफ, सो रेदर देन गिविंग इट लाइक अ प्लेस आई एम गोइंग टू यूज ग्रिड ओनली, ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सी, ये जो लाइन है ये क्या है, रिजल्ट डॉट ग्रिड, रो इज इक्वल टू जीरो, कॉलम इज इक्वल टू जीरो, कॉलम स्पैन 4, आईपैड एक्स 130, आईपैड वाई 38, ये क्या है, सी पहले रो इज इक्वल टू जीरो, कॉलम इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि अगर मैं 7 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 7, दिस 7 व्हिच आई एम क्लिकिंग राइट नाउ, ये कौन से पोजिशन पे है, तो ये मेरा रो 0 हो गया, इफ आई एम गोइंग फास्ट लेट मी नो समवेयर, या आवाज कट रही है कुछ तो बताते जो, ये रो 0 हो गया, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, सो दिस इज 0 रो 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है, कितना है, बाद में जो स्पेस बचेगा हम लोग फिर ज्योमेट्री को छोटा कर लेंगे, ये हो गया रो वाइज, कॉलम वाइज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, अभी क्या है, तो अगर मैं अभी इस पोजीशन पे खेल रहा हूं, मतलब यहां पे खेल रहा हूं मैं, ये फर्स्ट वाला जो एंट्री बॉक्स है, तो यहां पे ये क्या है, दिस इज रो 0 कॉलम 0, ठीक है, ये रो 0 कॉलम 0 पे है, ठीक है, जब मैं 7 को बटन क्रिएट करूंगा तो 7 बटन के लिए रो कौन सा होगा, रो 1 होगा, कॉलम कौन सा होगा, कॉलम जो होगा वो 0 होगा, इसी वजह से जब मैं 6 डिजाइन करूंगा, 6 डिजाइन करने के लिए रो कौन सा होगा, रो विल बी 2, रो विल बी 2, कॉलम विल बी 2, ठीक है, डॉट क्रिएट करना होगा तो रो विल बी 4, कॉलम विल बी 1. Now tell me when I am going to create the clear button, what will be row and what will be column?
और एल्स इसका बताओ मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रो रहेगा एंड क्या कॉलम रहेगा, चलो बताओ मेरे को। समझ में आ रहा है क्या करण? यस सर, रो 3 कॉलम 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड मे बी रो 5 एंड कॉलम 0 फॉर क्लियर। ओके सिद्धिका, यस सर, प्लस के लिए क्या रो आएगा, क्या कॉलम आएगा? प्लस के लिए रो कौन सा है, ये कौन सा रो है? वन। कॉलम कौन सा है? थ्री। रो वन कॉलम थ्री, ठीक है। अभी देखो डिवीजन के लिए ये रो है, ठीक है, ये वाले रो में डिवीजन आ रहा है और ये वाले कॉलम में डिवीजन आ रहा है। तो डिवीजन जब लिखूंगा तो कौन सा रो आएगा, कौन सा कॉलम आएगा बताओ मेरे को। चलो हाँ, फोर्थ रो कॉलम थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, गुड। तो इस वजह से हम लोग को वहां पे डालते जाएंगे। बीच बीच में मैं अगर लगा जरूरत कि मेरे को पड़ रहा है तो मैं वापस से मैं इसको लिख दूंगा वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग तो ये डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। तो अभी देखो तो रो 0 कॉलम 0 क्यों, क्योंकि हम लोग पहले इसके अंदर खेल रहे हैं। तो ये 0 रो में एंट्री बॉक्स आएगी और कॉलम भी 0 ही है हमारा। कॉलम स्पैन 4 का कर दिया, कॉलम स्पैन 4 का कर दिया मतलब अगर 1 का किया होता तो जितना 7 ने ऑक्यूपाई किया वहीं तक आता था वो, ऐसा। 2 का किया तो ऐसा, 3 का किया तो ऐसा, 4 का किया तो पूरा आ गया मतलब, ठीक है। आई पैड X 130 एंड आई पैड Y 38, ये क्या है? तो ये जब मैं 7 8 ये जो बटन्स क्रिएट करूंगा ना उसमें समझ में आएगा। iPad X 130 मतलब इस ब्लॉक के अंदर, इसमें नहीं समझ में आएगा आपको ऊपर वाला, बट इसमें आएगा समझ में। iPad X मतलब X से उसका ये Y होता है और ये X होता है। X से उसका कितना डिस्टेंस मतलब वर्टिकली हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस, दिस इज X। X मीन्स यहाँ से कितना डिस्टेंस एंड Y मीन सॉरी X मीन्स यहाँ से कितना, लेफ्ट एंड राइट से कितना डिस्टेंस, एंड iPad Y मीन्स उस ऊपर और नीचे से कितना डिस्टेंस, दैट इज iPad Y, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैंने इसको लिखा तो रिजल्ट डॉट ग्रिड, खाली प्लेस की जगह पे ग्रिड कर रहे क्योंकि इट सीम्स टू बी लाइक ग्रिड, डिवीजन इनटू रोज एंड कॉलम, सो दैट इज व्हाई इट इज ग्रिड। तो इसने इतना स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कॉलम स्पैन को 6 कर दूं तो इतना आ गया। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैं आंसर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर दे देंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी कैलकुलेटर जो रन कर रहा है ना उसका आंसर जो है ना
वो समथिंग स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है वो, जस्ट अ सेकेंड। मैंने इस आंसर को स्ट्रिंग वेयर करके डिफाइन कर दिया उसको। अभी क्या करना है एक्चुअली मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन ठीक है अभी बता देता हूँ। ये फॉन्ट है, इसको मैंने एक स्पेसिफिक फॉन्ट दिया हुआ है, फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल नैरो कॉमा 20 कॉमा बोल्ड। मतलब वो जो कुछ भी लिखेंगे वो इस फॉन्ट में लिखेंगे, उसका फॉन्ट साइज जो होगा 20 होगा और बोल्ड में लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन करूं देन इट हैज ऑक्यूपाइड होल प्लेस, बिकॉज वो बोल्ड के हिसाब से वो थोड़ा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। अगर मैंने ये हटा दिया तो वो इसका फॉन्ट के भी फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करती है थोड़ी बहुत, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो। अभी जैसे कि मैंने इसको हटाया सपोज देन दिस मच, बट जैसे मैंने फॉन्ट फैमिली डाली और उसको बोल्ड करके रखा तो अपने आप वो इतना स्पेस वो कर देगा वो। ठीक है, तो ये इतना है, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया एंट्री बॉक्स। यस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्रिएटिंग द फर्स्ट बटन दैट इज 7। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, बटन x इज इक्वल टू आंसर, नॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आंसर बट इट्स बटन, बटन मीन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिखा होना चाहिए उसके ऊपर 7 लिखा होना चाहिए। ठीक है, इतना करेंगे पहले। ये कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपी बटन 7। अभी ये रो 1 में आएगा, कॉलम 0 ही रहेगा। कॉलम स्पैन की आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी नीड, बिकॉज इफ रिक्वायर वी विल ऐड। लेट्स चेक, गॉड इसको कम करना पड़ेगा। सो बटन 7 इज आईपैड 38 एंड दिस इज 13, आईपैड 38 एंड 13, 38। सो इसमें थोड़ा छोटा आ रहा है, उसका भी रीजन है क्योंकि हम लोगों ने इसकी फैमिली डिफाइन नहीं की है। अभी मैं क्या कर सकता हूं इसमें, जैसे कि यहां पे उन्होंने ये फॉन्ट लिया हुआ है, मैं भी यहां पे ये फॉन्ट इधर डाल सकता हूं मैं, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। rather than doing that see what I'm doing, वो करने से अच्छा है आप देख लो इसको अच्छे से। एक तो जो मैंने आपको बताया वैसा कि वहां पे ऐसा करके यहाँ पे मैं f ऑन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उस वेरिएबल को मैं फॉन्ट डिक्लेयर करता हूँ, ये वाला फॉन्ट डॉट फॉन्ट इज इक्वल टू फैमिली हेल्वेटिका साइज इज इक्वल टू 14, फैमिली हेल्वेटिका साइज इज 14, वेट इज बोल्ड, ठीक है। तो ये डिफाइन करने का, एंड बाद में जो बटन है उसमें एफ ऑन इज इक्वल टू फॉन्ट, फॉन्ट इज इक्वल टू एफ ऑन फॉन्ट, ऐसा डिफाइन कर देने का, फॉन्ट इज इक्वल टू एफ ऑन, ठीक है। तो ये किया मैंने, इसको रन करेंगे तो ये ऐसा आ गया। बाद में थोड़ा बहुत हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उसको, फिलहाल इस वजह से दिख रहा है वो 7 8 9। अभी क्या करना है हमें,
ये एक बटन क्रिएट हुआ, बाद में थोड़ा बहुत शिफ्ट करते रहेंगे हम लोग, 8 9, ठीक है। तो आई विल डिक्लेयर दिस एज 8 8 8 किया तो और चेंजेस कहाँ पे आएंगे, 8 में दिस विल बी रो 1 बट हियर इट विल बी कॉलम 1, हियर इट इज 8 8 लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। बाद में एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, ये बटन 8 टेक्स्ट 8 बटन 8 बटन 8 डॉट ग्रिड कॉलम 1, दिस विल बी कॉलम 1 लाइक दिस, रो 1 कॉलम 1, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 7, ये जो है ये 7 के लिए कंप्लीट हो गया, इधर ये 8 के लिए कंप्लीट हो गया क्योंकि 8 सेकेंड कॉलम में आएगा, यहाँ पे 8 लिखा होना चाहिए, ये 8 8, अभी 9 9 ऊपर से जा रहा है क्या? हेलो, हेलो, ऊपर से जा रहा है क्या? हेलो सर, दिस इज 7 8 9, फाइन, ये हो गया। अभी यहां पे एक और बटन क्रिएट करना है, वो बटन है प्लस का, वो बटन है प्लस का, प्लस यहां प्लस लिखा होना चाहिए, प्लस, लेट्स सी क्या आ रहा है, ये आ गया, अपने आप उसने एडजस्ट किया ना, है ना। तो 7 इधर शिफ्ट हो गया, 8 9 प्लस, थोड़ा और अगर डालेंगे कुछ और तो ये अपने आप और शिफ्ट हो जाएगा उधर, बट ये डिसेंट लग रहा है अभी, ठीक है। 7 8 9 एंड प्लस, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। इस वजह से अगर आपको और क्रिएट करना हो तो आप और क्रिएट कर सकते हैं, बट मेरा काम क्या है कि मैं आपको इस 3 फंक्शंस के ऑपरेट करके मैं आपको दिखा दूं कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए अगर सपोज 7 प्लस 8 किया मैंने, ठीक है, तो पहले प्लस पे मुझे कमांड डालना पड़ेगा एंड यहाँ पे इक्वल टू का भी बटन एक डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू का बटन जो है पहले डाल देता हूँ, फिर मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो इक्वल टू का जो बटन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है बटन इक्वल टू, बट उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, समझने के लिए उतना ही सिंपल है। इक्वल टू वो खाली रूट है, यहाँ पे इक्वल टू डाला है, फॉन्ट ये डाला हुआ है, रोज 4 कॉलम ये, इसको पहले रन करके देख लेते हैं हम लोग। इक्वल इज जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, ये दो बार, एक सेकेंड, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो एक परफॉर्म करता हूँ, 7 प्लस 8 इक्वल टू डालूंगा तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, 7 यहाँ पे आना चाहिए, 8 यहाँ पे आना चाहिए। बट उसको करने के लिए जब मैं बटन को प्रेस करूँ, सपोज मैं 7 को प्रेस करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे वो कमांड डालनी पड़ेगी, POMMAND कमांड इज इक्वल टू लैम्डा दिस प्रेस 7,
ऐसे मैं एक बार चेक कर लूंगा। कमांड इज इक्वल टू लैम्डा स्टार स्लैश ये दिस कॉलन प्रेस दिस। It will give you 8. Command is equal to press button 9. तो ये कर दिया। अभी इसमें एक चीज क्या है कि ये प्रेस करने पे होगा, ठीक है, और अभी प्लस वाला जो है या इक्वल वाला है, इक्वल वाला क्या है, कमांड इज इक्वल टू इक्वल, इसमें लैम्डा नहीं आएगा बिकॉज फाइनली इट इज गिविंग द आंसर, इट इज गिविंग द आंसर, सो नो लैम्डा इज देयर। और अभी आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आता है क्या है वो एग्जैक्टली। बटन प्लस में क्या है, तो कमांड लैम्डा इज इक्वल टू दिस दिस वन दैट इज कमांड इज इक्वल टू लैम्डा कॉलन प्रेस इन ब्रैकेट डबल कॉलन प्लस। कमांड इज इक्वल टू लैम्डा कॉलन प्रेस प्लस, ये हो गया, ठीक है। तो कल ये दिस विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट, सो कमांड इज इक्वल टू इक्वल टू, बाकी सब में प्रेस के बाद दूसरा ऑपरेशन। अभी प्रेस मतलब क्या, यहाँ पे प्रेस डाल दिया तो प्रेस करने पे क्या, ये ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा हमें। मैं देखो ऊपर दो फंक्शन लिख रहा हूं, देखो जब प्रेस करेंगे तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस वैल। मतलब क्या, इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेवन प्रेस करते हैं तो सेवन से पहले कुछ प्रेस किया है तो सेवन हमारा वैल है, और उससे पहले कुछ प्रेस नहीं किया हुआ है तो वो नल है, तो इसलिए एक्सप्रेस इज इक्वल टू नल डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो नल प्लस सेवन, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्सप्रेस हो जाएगा सेवन हो जाएगा। अभी सेवन प्लस एट, तो हमारा पर यहाँ पे सेवन हो जाएगा प्लस वैल जो है वो एट हो जाएगा, तो फाइनली एक्सप्रेशन एट, ठीक है। तो इस वे से वो काउंट करता जाएगा, ठीक है। और अभी आंसर शो नहीं करेगा, वो क्या कर रहा है, आंसर डॉट सेट, तो वो यहाँ पे रख रहा है वो आंसर डॉट सेट, ठीक है। अभी इक्वल टू में क्या कर रहे हैं, जैसे हम इक्वल टू कर रहे हैं, अभी हम प्रेस करते जा रहे हैं तो ये कैलकुलेशन चलता रहेगा, सेवन प्लस एट प्लस नाइन ऐसा जो भी है, ठीक है, कैलकुलेशन चलता रहेगा। अभी डिफाइन इक्वल टू, तो इक्वल टू क्यों, क्योंकि वहां पे कमांड इज इक्वल टू किया हुआ है हम लोगों ने, तो इक्वल टू पे क्या, सो टोटल इज इक्वल टू इवेल्युएट, इवेल्युएट एक्स मतलब क्या, जो एक्सप्रेशन आया हमारा फाइनली उसको इवेल्युएट करो, उसको इवेल्युएट करो, ये eval is inbuilt function which is used to evaluate directly, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन किया होगा हम लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन का अगर वहां पर डाला होगा तो मल्टीप्लाई करेगा, डिविजन का किया होगा तो डिवाइड करेगा, या जो भी करेंगे उस हिसाब से वो करेगा, वहां पे माइनस किया होगा तो माइनस करेगा, प्लस करेंगे तो प्लस करेगा, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू इवेल एक्सप्रेशन, अब इसको एक्सप्रेशन का जो यहाँ पे एक्सपी आया, जो यहाँ पे आया वो आंसर डॉट सेट में, उसको इवेल्युएट करो, टोटल को असाइन करो, एंड आंसर डॉट सेट इज इक्वल टू टोटल, सो फाइनली ये जो टोटल है वो इक्वल टू के बाद डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये सब कर दिया है, इसको मैं एक बार रन करता हूं और आई विल शो यू। सेवन प्लस एट इज इक्वल टू 15, एट क्लियर का नहीं बटन दिया है इसलिए 88 प्लस 9, so 88 plus 7 95 plus 104, तो इस वजह से वो आता है 104, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा ये
इस वजह से हो गया। अभी क्या किया हम लोगों ने, ये खाली ये इक्वल टू सबसे लास्ट में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये हो गया बटन के साथ, अभी क्या करना है, ये प्लस था, थोड़ा ज्यादा गैप देंगे समझ में आएगा क्या अलग है। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, फोर फाइव सिक्स माइनस, ये चार बटन क्रिएट करना है। तो फोर के लिए रो टू, ये जीरो था, वन टू, रो टू कॉलम जीरो, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम थ्री, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो यहां पे फोर, यहां पे फोर, यहां पे फोर, ठीक है, यहां पे फोर रो टू कॉलम जीरो, यहां पे फाइव, यहां पे फाइव, यहां पे फाइव, यहां पे फाइव, यहां पे रो टू कॉलम वन, बाद में यहां पे सिक्स, यहां पे सिक्स, यहां पे सिक्स, यहां पे सिक्स, यहां पे रो टू कॉलम टू, बाद में माइनस, ये हो गया यहां पे माइनस, ठीक है। सो फोर फाइव सिक्स एंड माइनस, लेट्स सी आ रहा है क्या, फोर फाइव सिक्स प्लस आ गया, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस, माइनस आ गया, ठीक है। अभी और करना है तो, और इसमें क्या है नीचे, फिर वन टू थ्री मल्टीप्लीकेशन, तो वन टू थ्री मल्टीप्लीकेशन, वन रो थ्री हो जाएगा, टू थ्री थ्री मल्टीप्लीकेशन, वन टू थ्री दिस, ठीक है। तो ये भी आ गया। अभी एक्चुअल कैलकुलेटर में क्या है, जीरो डॉट
इज इक्वल टू 0 डॉट इज इक्वल टू डिवीजन, ठीक है ना। तो 0 डॉट इज इक्वल टू डिवीजन, तो कैसे करेंगे? जीरो डॉट दिस इज डॉट, और क्या था, इक्वल टू था क्या? हेलो, यस इक्वल टू प्रीति, आर यू देयर? हेलो प्रीति, नाउ यू ऑल आर अटेंडिंग द सेशन जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, आई अंडरस्टूड। ओके फाइन, जानवी आर यू देयर? यस सर। ओके फाइन, सो टेल मी व्हाट आई हैव टू राइट ओवर हियर, जस्ट हेल्प मी, यहाँ पे क्या डालू? जानवी, श्रेया टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू राइट ओवर हियर। श्रेया, सिद्धिका, यस सर। टेल मी व्हाट टू राइट ओवर देयर। करण, बटन डी आई वी। बटन डॉट इक्वल टू डी आई वी, ठीक है ना। तो ये सब आ गया, अभी ये आ गया। अभी नीचे खाली एक क्लियर का बटन डाल देंगे, तो क्लियर का बटन भी इजी है। ऐसे भी डाल सकते हैं उसको, इसमें कॉलम स्पैन आ गया है एंड इट्स अ बटन। आईपैड एक्स 237, आईपैड वाई 13। मैं एक बार इसका ये बताता हूँ आपको, चेंज करके आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, आईपैड एक्स एंड आईपैड वाई। देखो पहले मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर इज नॉट डिफाइंड। ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। ये रहा, ठीक है, अभी ये पूरा क्लियर है। अभी देखो क्लियर जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और उसका जो ऊपर का जो है, उतना ऊपर का गैप और साइड का गैप देख लो आप कितना है। मैं पहले एक्स का चेंज कर रहा हूँ, आईपैड एक्स चेंज कर रहा हूँ, अभी 237 है, सपोज मैंने 180 डाला, तो कितना एक कम हो गया, ठीक है, 140, 140 में और कम हो गया, ठीक है। अब मैं वापस इसको 237 करता हूँ, ये वैसा हो गया। अभी वाई जो है, मीन्स वर्टिकल,
It's 13. Let's make it 3. Three. कितना और थोड़ा सा पतला हुआ. Let's make it 8. थोड़ा और वो ये हुआ. और if I'll make it 1. इसका मिनिमम एक होगा, उससे कम नहीं हो सकता. पहले हमने कितना भी किया तो 1 और थोड़ा पतला और, मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इट्स गेटिंग लाइक यू नो ज्यादा, मतलब थिन हो रहा है और थिक हो रहा है वो, मतलब स्पेस जो है ना वो ऊपर से और नीचे से बढ़ रहा है, कम हो रहा है. सो दैट इज दिस 113, दैट इज आईपैड वाई एंड आईपैड एक्स. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कमांड डाल देता हूँ क्लियर, और यहाँ पे मेरे को फंक्शन डिफाइन करना होगा ऊपर में, मतलब जब क्लियर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा. तो क्लियर पे जब क्लिक करोगे I told you not just come for clear. Define clear. क्या है कि clear पे click करोगे तो answer dot set जो यहाँ पे set हुआ था answer dot set xp वो null हो जाएगा. ठीक है, एंड वापस से exp की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ताकि मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो exp नल प्लस जीरो तो उसमें वो कॉन्कैटिनेट करेगा वो ऐसा वेल वेल मतलब सेवन. ठीक है, तो नल प्लस सेवन तो इट विल बी एक्सप्रेस विल बी सेवन, फिर सेवन वापस से जाएगा, फिर सेवन सेवन जो भी है एट वन जो भी है. तो कहने का मतलब डिफाइन क्लियर मीन्स इट विल, जैसे क्लियर को प्रेस करेंगे आंसर डॉट सेट जो होगा वो नल हो जाएगा, मतलब ये जो है ये नल हो जाएगा और वापस से exp की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल ही हो जाएगी. अब ये पूरा कैलकुलेटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो वी विल रन इट एंड दो बार आ गया क्या. ओके ठीक है, ये क्लियर हो गया. अभी देखो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 2 क्या आ रहा है, सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड ईओएफ व्हाइल फ्रेजिंग. ओके क्लियर किया, 5 + 5 = 10 आ रहा है. माइनस 2 बराबर है डिवाइडेड बाय 2, सो ये भी बराबर है, खाली मल्टीप्लिकेशन का इश्यू आ रहा है. ये जो है ना दिस इज नॉट डिफाइंड, ये जो भी यहाँ पे फंक्शन ले रहा है ये यहाँ पे, तो आप कुछ भी डालो उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर का फर्क पड़ रहा होगा. Let's see. Two into three. अरे MUL dot grid. इसका तो कोई इशू नहीं है. Font command lambda press. This for let me see. Star आएगा शायद से, if I'm not wrong. स्टार को मल्टीप्लीकेशन समझता होगा. 2 × 22 × 3 कितना आंसर आना चाहिए, 22 × 66. ये इनबिल्ट फंक्शन है, उसको पहचान रखिए मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, दीज ऑल आर इट रिकॉग्नाइजेस, इसमें माइनस करना है. ठीक है,
और ये हमें दिखने के लिए, यूजर को दिखने के लिए ये डाला हुआ है, ठीक है ना। ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ से ले रहा है, 5, 6 माइनस लाइकवाइज। अभी इसमें एक इशू और है, मैं ये जो रन कर रहा हूँ ना, इसमें देखो 4 माइनस 5 माइनस 1, और ये जो मैंने रन किया 7 माइनस 6, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस आया? हेलो, क्या डिफरेंस है? देखो इधर, आई विल शो यू। आपके जो लैपटॉप में कैलकुलेटर है, ठीक है, एक ये कैलकुलेटर जो है, इसमें जब आप 8 × 8 कर रहे हो तो 64 आ रहा है। तो इट शोइंग द डिजिट्स और आंसर एवरीथिंग ऑन राइट साइड नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड में दिख रहा है। और अगर हमारे कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25, तो वो सब लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, ठीक है। जो कैलकुलेटर रेफरेंस मैंने दिखाया आपको, जो जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें भी राइट साइड में ही है, राइट साइड में ही होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है उसके लिए। जस्टिफाई इज इक्वल टू, राइट, अभी देखते करके समथिंग हैज बीन राइट। ओके, ठीक आ गया। आया क्या? यस सर, सो दिस इज आवर प्रोग्राम फॉर एक्चुअल कैलकुलेटर, एक्चुअल कैलकुलेटर। यस, ऑल ऑफ यू आर देयर? यस सर, यस सर। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पोस्ट करता हूँ गूगल क्लासरूम में, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो एंड मुझे आज रात में ही ये मेरे को उसके ऊपर करके दो। दिस इज ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। नाउ जब तक मैं ये कर रहा हूँ, तब तक मेरे को 5 मिनट्स लगेंगे टाइम। तो टिल देन आई एम सर्कुलेटिंग अ लिंक ऑफ क्विज विच इज नॉट बेस्ड ऑन एग्जैक्टली दिस, बट आपके पाइथन के जो भी सेशन हुए उसके ऊपर ही है, तो आपको आ जाने चाहिए। और आपको सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स भी दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम सर्कुलेटिंग दैट लिंक।